ओम शांति। आज की तारीख है 17/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, हर एक को जीय दान देना है, ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली तुम्हें बहुत प्यार से भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीय दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जीय दान देने के बजाय लात मारते तो ये बहुत बड़ा पाप है। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, मुरझाए हुए को सुरजित बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसक न पाए, ये ध्यान रखना है। नंबर दो, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जीय दान देने की सेवा करनी है। वरदान, सतगुरु परमात्मा पिता का बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं कि सबसे सरल मात्रा यदि कोई है तो वो बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है, घर में सब बिंदु रूप में रहते जहाँ संकल्प कर्म और संस्कार सब मर्ज होते हैं। स्लोगन है, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, उड़ता पंछी बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, ओम शांति।